जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शिवपुरी में 17 करोड़ 35 लाख की लागत के टेक होम राशन संयंत्र की चाबी महिला आजीविका औद्योगिक सरकारी संस्था को सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं द्वारा संचालित यह संयंत्र पूरे देश के महिला स्व सहायता समूह के लिए बड़ा उदाहरण बनेगा। संयंत्र का मुनाफा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केवल ठेकेदार और बड़े कारोबारी ही उद्योग नहीं चला सकते, महिलाएं भी अब उद्योग धंधे चलाने में सक्षम हो चुकी है। इसी सोच के साथ शिवपुरी के टेक होम राशन संयंत्र के संचालन की जिम्मेदारी महिला संस्था को सौंपी गई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब महिलाएं भी कल कारखाने चलाएंगी, इसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर हमारे पास महिला सशक्तिकरण की बाद में जब सरकार बदल गई, कांग्रेस की व्यवस्था से बदल गई और फिर ठेकेदारों के हाथ से दिया था। आज ऐतिहासिक इसलिए है कि प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया कि ये प्लान का महिला स्व सहायता समूहों के समूह ही चलाएंगे। और आज नीचे थोड़ा सा नीचे करो का काम भी हुआ है। विश्वास है ये बहने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक ढंग से चलाएंगी और एक नया इतिहास रचेगी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को अनेकों काम सौंपे गए हैं और उसके कारण प्रदेश में जो गरीब बहने हैं उनकी आमदनी निरंतर बढ़ रही है और वो सशक्त हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।